छोड़े जा रहे हैं और लाठी चार्ज हुआ है, दोनों तरफ से टकराव हुआ है। देखिए एक तरफ पुलिस है, एक तरफ किसान है। अभी पुलिस भागी है किसानों की तरफ और किसान भागे पंजाब की तरफ, और ये एक कह सकते हैं कि सीधा टकराव पुलिस और किसानों का है। उधर से दोनों तरफ से लाठी चार्ज, दोनों तरफ से ये हो रहा है टकराव, बड़ा टकराव देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया है, तो किसान भी पूरी तैयारी के साथ आए। देखिए बड़ी संख्या में किसान आगे बढ़ते हुए ट्रैक्टर ट्रोलियों में किसान आए हैं, और आगे है युवा ब्रिगेड, खेतों में किसान खड़े हैं, आगे पुलिस है, और बड़ा टकराव ये दोनों की तरफ से, दोनों साइड से देखने को मिल रहा है। एक बड़ा मामला, बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस की तरफ से देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और एक बड़ा जो है यहाँ पर गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो टकराव सीधा सीधा टकराव चल रहा है, लाठी चार्ज देखिए आमने सामने टकराव पुलिस का और किसानों का। किसान भी लाठियां चला रहे हैं, पुलिस भी लाठियां चला रही है, ये पुलिस को पीछे हटने मजबूर कर दिया। देखिए किस तरह के गंभीर स्थिति बॉर्डर पर बनी हुई है, दाता सिंह खरौरी बॉर्डर पर। पंजाब के किसान पुलिस को पीछे धकेल रहे हैं, पुलिस पीछे हटने को मजबूर है। और देखिए बिल्कुल एक कह सकते हैं आज जो किसानों का कूच था, एक गंभीर स्थिति बनी हुई है। देखिए खेतों के रास्ते, आप देखिए खेतों में जो पुलिस और किसान घुसे हुए, आमने सामने लट चल रहे हैं, लाठी चलाई जा रही दोनों तरफ से आमने सामने किसानों की। एक बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ दाता सिंह खरौरी बॉर्डर पर हो गई है, और जो पुलिस है वो खदेड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन लाठी चार्ज हो गया है किसानों पर, और दोनों तरफ से जमकर लाठियां चल रही हैं किसानों के ऊपर, और बड़ी गंभीर स्थिति यहां पर बनी हुई है, और किसानों को खदेड़ने